सेव मी, इतने बंदर। पाटा में गया था इस रूट से श्रीनगर। भाई ये देखो यार, शिवपुरी में हर जगह ना कहीं भी देख लो कैंप ही कैंप भरे हुए। इधर देख, अबे यार बर्फ देख के तो हो जाए, ठंड लग रही है। ओ पहुंचा भी जाएगा कि नहीं पहुंचा जाएगा आज? चल ग्रैंड तपोवन। वेरी गुड वेरी गुड। मेरी पटरी कसम से। उससे पहले ये देखिए व्यू यहाँ पे कितना मस्त आ रहा है। वे तू थोड़ी है व्यू, ये हेवल नदी है ना हमारे गांव से, वो क्या थी घाटी सर। कर दो हेलो, एक और बार कर दो हेलो। हेलो हाय भी कर दो ऐसा। अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पे और मेरे को बुला दिया इसने। ये हमेशा ना लेट करता है, हमेशा करता है ये लेट। जब भी मैं इसके साथ राइड में जाता हूँ ना तो ये हमेशा मेरे ना कम से कम 10-15 मिनट बाद ही आता है ये, जबकि इसके पास इसके घर के पास है ये वाली रोड। जहाँ देखो यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ मैं, इसके घर यहीं पे ही है बगल में ही। और देखना भी अभी 15 मिनट बाद आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6:44 हो गया भाई, बंदा तो पहुँच भी गया। ये देखो जरा ये मार रहा है विली, मारी जरा विली, देखते हैं मार भी पाता कि नहीं। ओ भाई थोड़ी बहुत तो उठा दिया यार तूने, वेरी गुड। अरे अबे यार ओ भाई बंदा सीख रहा है अभी मानना। हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला से आगे और ये देखिए प्यारा सा व्यू यहाँ पे। और अपने साथ है अपने हर्ष भाई, काफ़ी टाइम देख लिया होगा आपने इसको मेरे ब्लॉग में। तो यहीं से अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और वहाँ से सनराइज़ भी होने वाला है। क्या हो गया अरे, तो अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त राइडर विकास भंडारी, स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला हमारा शिवपुरी का, शिवपुरी चल रहा है तो देखते हैं उसके आगे जा पाएंगे तो चलेंगे, वरना वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे और क्या पता वहाँ पे अपना फ्रेंड भी मिल जाए। जो भी होगा आप वीडियो में बने रहिए और ब्लॉग को देखिए आप। ये देखो यार बहुत प्यारा लग रहा है, वाह। तो इसी सनराइज़ के साथ अपनी आज का ब्लॉग भी स्टार्ट होता है और अपनी राइड भी स्टार्ट होती है। तो सुबह सुबह की किरणें होती है ना, उनको लेनी चाहिए, विटामिन डी मिलता है। तो भाई ये चलेगी आपकी गरुड़ चट्टी के लिए रोड नीचे और हमें जाना है आगे शिवपुरी। तो जस्ट थोड़ी सी आगे यहाँ पे चेकिंग भी होती है, तो भाई जो भी जाए तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और हेलमेट वगैरह पहन के रखें, वरना गाड़ी सीज भी हो सकती है, बी केयरफुल। तो भाई 10 किलोमीटर हमारा हो चुका है कवर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बदन में, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पर ये है कि अब गर्मी आ चुकी है, वो सुबह सुबह ना बताऊँ क्या एकदम से निकला बाहर और ना ठंड लगने लग गई थी। मैंने सोचा यार महंगा पूरे रास्ते पर ये ठंडी लगेगी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, साइकिल चला चला के गर्मी आ गई अब और पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है। तो बॉडी में जब ठंडी ठंडी हवा लग रही ना अच्छा लग रहा है, मतलब दोनों मिक्सअप हो रहे हैं। ये देखिए और अपना दोस्त जा रहा है आगे। तो ये है मेरा सेकंड टाइम इस रूट पे, देवप्रयाग रूट में, और फर्स्ट टाइम मैं गया था इस रूट से श्रीनगर तो बहुत मज़ा आया था। और ये आज मेरा सेकंड टाइम है इस रूट पे, तो
थकान तो नहीं लग रही ज़्यादा, नॉर्मल थकान लग रही है और ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। ठीक है, शिवपुरी तक तो हम ऐसे ऐसे तैसे खींच ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, किलोमीटर बाद हमने लिया पहला ब्रेक और यहाँ से क्लियर तो दिख नहीं रहा, बट उधर की साइड ना नीलकंठ रोड है, नीलकंठ ले जाती है, तो वो ऐसे कट गई पूरी ना, पूरा ऐसे गंगा जी अपनी उधर से घूम के आ रही है ऐसे में, और हमें जाना है वो ऐसे घूमते 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 उधर। तो भाई कहीं पे भी पानी दिख जाए ना तो भर लो सीधा, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि भरे या ना भरे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लो भाई, हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी, और भाई पता नहीं चला यार कब हम शिवपुरी पहुंच गए। तो यही होता है जब साथ में कोई चलता है ना अपने पार्टनर वगैरह, तो भयंकर पता नहीं चलता रास्ते का कब हमारा मंजिल आ गई। तो लो बस मज़ा आ गया यार भयंकर, पता भी नहीं चला और हम शिवपुरी पहुंच गए। तो भाई ये है होटल ग्रैंड तपोवन, तो यहीं से एक रोड बगल में से अंदर जा रही है, तो यहीं से हमें अंदर जाना है। और जिससे मिलाने आज आपको हम लेके चल रहे हैं उसका घर इसी रूट पर है, और ये रूट आप देख सकते हो पूरा ऊबड़ खबड़ वाला है, पूरा ऑफ रोडिंग होने वाली है हमारी। चल चल आगे चल। अरे हाँ बैठने दे। और इधर की साइड आपके काफ़ी सारे कैंप्स वगैरह भी ये लगे रहते हैं, वो देखिए नीचे गंगा जी। अबे अबे इतने बंदा करके ठीक है, अर्थ प्लीज सेव मी। इतने बंदर भाई साहब, मेरी फटरी कसम से, अर्थ अर्थ ब्रो प्लीज सेव मी अर्थ ब्रो। और भयंकर की डर लग रही, ओ भयंकर कहाँ लगी हुई इनकी भीड़। अबे देख मत देख मत, चलते रहे चलते रहे। माय गॉड, अरे प्लीज 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 सेव सेव मी सेव। ओ बचा लिया हर्ष ने मेरे को। तो ये देखिए यार, ये जा रहा शिवपुरी का रास्ता, और रोड कट जाती है ऐसे में, देन उसके बाद ऐसे यूट गोल में, और शिवपुरी का मेन बाज़ार उधर की साइड है आगे की साइड। बट उससे पहले ये देखिए व्यू यहाँ पे कितना मस्त आ रहा है। ओए तू थोड़ी है व्यू। वो देखिए यार, और ये हेवल नदी है, ये अपने गांव से होके आती है इधर नीचे, और यहाँ पे गंगा जी में मिल जाती है, वो सामने ही गंगा जी सही है। और हमें जाना है यहाँ से थोड़ी सी और आगे, और भाई का घर है उधर सामने की साइड, तो हमें उधर जाना। अरे भाई तो यहीं पर आ गया यार, भाई तो इधर ही आ गया। क्या हाल चाल ब्रो, कैसा है? तो ये है अपने सूरज भाई। हेलो, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। भाई की साइकिल देखो यार, ट्रैक की है, स्टैंड नहीं है। भाई स्टैंड नहीं है, स्टैंड तो मेरे उसमें भी नहीं है। फ्रेंड्स चेक आउट दिस व्यू, और यहाँ पे देखिए हर जगह कैंप ही कैंप दिखेंगे आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक कैंप ही कैंप है। नीचे देखो तो नीचे कैंप, ऊपर देखो तो ऊपर कैंप, और इधर देखो तो इधर भी कैंप ही हैं। और तो अभी मैं आ रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर सूरज के यहाँ, तो उससे मिलाता हूँ मैं आपको। तो ये अपने फ्रेंड सूरज। हेलो। तो ये भी एक कंटेंट क्रिएटर है, और भाई का भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके चेकआउट करिए चैनल को, और भाई को भी सपोर्ट करिए। बाकी यार भाई के साथ अभी हम जाने वाले हैं एक जगह, वो जगह बहुत ख़तरनाक होने वाली है, पूरी ऑफ रोडिंग होने वाली है। ऑफ रोडिंग है ना।
यहाँ पे जितने भी कैंप्स वगैरह है ना ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ पे नॉर्मल प्राइस होता है जो नॉर्मल कैंप रहते हैं उनकी 1000 से स्टार्ट होती है मतलब 1000 से स्टार्टिंग है कैंप का प्राइस 2000 तक 2500 तक ये रेट जाते हैं तो वहाँ से ऊपर ऊपर जाते रहते हैं जैसी फैसिलिटी आपको चाहिए मतलब जिस हिसाब से फैसिलिटी चाहिए उस हिसाब से आपको कैंप मिल जाएंगे पर ये है कि स्टार्टिंग प्राइस इन कैंपों का 1000 रुपये है तो ठीक है जब 1000 रुपये तो बढ़िया ही है बाकी और वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी बना रखे हैं सही जगह में यार तुम्हारे खेत वगैरह भी होंगे इधर ये रहे हमारे खेत है वो खेत है जगह ये जहाँ पे लगा रखा है सही है तो ये तो बहुत बढ़िया जगह है यार फिलहाल अभी हमें ना उधर जाना है यार उधर सामने पहाड़ दिख रहा हो आपको वो पहाड़ दिख रहा होगा एंड में भाई जगह ना इतनी ऑसम है ना मतलब क्या बताऊँ मैं यार बहुत मस्त जगह मन कर रहा है यहीं पर रह लो ये कर रहा मन है ना भाई साहब बहुत प्यारी जगह है यार ये देखो यहाँ नीचे खेलने के लिए भी बना रखा उन्होंने सही है यार वहन कर दी बहुत मस्त बना रखा यार उत्तराखंड की ब्यूटी यही है चलो फिर चलो टाइम लगेगा वहाँ पे है ना चलो फिर चलो तो एक आवाज कर रहा है लो हेलो हाय भी कर दो ऐसे हाय कर दो हाय कर दे ऐसे ऐसे करो हाय